हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन एडिक्शन के बारे में। समय के साथ साथ ये मोबाइल फोन का जो आदत है आजकल के जनरेशन के लोगों में, खास करके आजकल के जनरेशन के लोगों में बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस मोबाइल फोन वाले एडिक्शन जो आदत है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो को दो भागों में बांटना चाहेंगे। पहला, मोबाइल फोन एडिक्शन है क्या, और दूसरा, इस मोबाइल फोन एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसे आप एडिक्शन कह रहे हैं, जिसको आप आदत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको मोबाइल का आदत लग चुका है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपका जो डेली रूटीन था, जो आपके पास जब मोबाइल नहीं था उससे पहले जो आप करते थे, वो मोबाइल आने के बाद वो आदत मोबाइल के साथ रिप्लेस हो गया। या फिर इसको इस भाषा में आप समझ सकते हैं कि आपका जो पहले का जो रूटीन था वो मोबाइल के रूटीन से रिप्लेस हो चुका है। आप याद कीजिए उस टाइम को जब आपके पास मोबाइल नहीं था। तो जब आपके पास मोबाइल नहीं था उस टाइम आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते थे? हो सकता है आप रनिंग के लिए जाते होंगे, हो सकता है आप वॉकिंग के लिए जाते होंगे, या फिर आप पूरे दिन जब आपके पास मोबाइल नहीं होता था तो आप उस टाइम क्या क्या करते थे? आप कुछ क्रिएटिव काम करते होंगे, आप डांसिंग करते होंगे, सिंगिंग करते होंगे, चाहे पियानो बजाना सीख रहे होंगे, या फिर कुछ भी कर रहे होंगे। लेकिन आपके पास तो मोबाइल उस टाइम नहीं था, तो आप मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलाते होंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास मोबाइल आया, आपकी पुरानी आदतों के साथ इस मोबाइल का जो नया आदत था वो रिप्लेस हो गया। अब आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चलाते हैं, आप दोपहर में मोबाइल चलाते हैं, आप खाना खाने टाइम मोबाइल चलाते हैं, आप रात में डिनर के टाइम खाना पे बैठकर उसके बाद भी आप मोबाइल ही चलाते हैं। तो ये आपके आदतों का रिप्लेसमेंट हो गया है। आपके आदत जो था वो आपके पहले वाले आदत के साथ रिप्लेस हो गया, वो बदल गया। तो हम इसको बुरा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब इस आदत को हम समझ जाएंगे तो इसे छोड़ना बिल्कुल ही आसान है। और अब आप समझ चुके हैं कि ये आदत जो है ये बिल्कुल सिंपल सा आदत है, आपके पुरानी आदतों के साथ ये रिप्लेस हो गया है मोबाइल का आदत। अब आपके पास बहुत फ्री टाइम है, उसमें आप मोबाइल चलाते हैं। पहले फ्री टाइम में आप कोई क्रिएटिव काम करते थे और अब मोबाइल चलाते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मोबाइल फोन एडिक्शन है क्या। दरअसल ये आपकी आदतों का बस रिप्लेसमेंट मात्र है और कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको एक डायरी लेना है और एक पेन लेना है, और उस डायरी में आपको अपने 5 फेवरेट कामों को लिखना है जो अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता तो आप करते। हो सकता है आप उस टाइम सिंगिंग करते, हो सकता है आप डांसिंग करते, हो सकता है आप कोई और क्रिएटिव काम करते, या फिर हो सकता है आप कुछ भी करते लेकिन मोबाइल तो आप बिल्कुल नहीं चलाते। हो सकता है आप उस खाली टाइम में पेंटिंग करते हैं, हो सकता है आप उस खाली टाइम में सिंगिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही आप अपने 5 फेवरेट कामों का लिस्ट बना लें और फिर क्या है, अब कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं और आपको मोबाइल चलाने का मन करता है तो आप उस डायरी को निकालें, अपने पास से उस डायरी को रखें, हमेशा अपने पास रखें। तो सुबह उठते ही आप उस डायरी को निकालें और सबसे पहले उसे पलट कर देखें कि आपको सुबह में क्या करना पसंद है, आप सुबह में क्या कर सकते हैं मोबाइल चलाने के अलावा, और आप उस काम में लग जाएं। जब आप उस काम में लगेंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन आपका ये फेवरेट काम है इसलिए थोड़ी देर करने के बाद आपको उसे मन लगने लगेगा। और बस ऐसे ही आपको इस काम को दोहराते रहना है, हमेशा हर दिन इसी काम को आपको करना है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, चाहे वो शाम का टाइम हो, चाहे वो रात का टाइम हो। जब भी आपको मोबाइल चलाने का मन करे अपने डायरी निकालें और देखें कि आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं और उस काम को करने लग जाएं। जब आप कंटिन्यू इस काम को महीना दो महीना कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका मोबाइल का जो आदत है वो छूट जाएगा और आपका मेंटली जो भी डिस्टर्ब हुए हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस टेक्निक को हल्के में ना लें, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और आजमाया हुआ टेक्निक है, इसलिए आपको ये करना ही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल फोन का आदत है वो छूटता जा रहा है, और धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर फिर से मोबाइल फोन का एडिक्शन लगाना चाहते हैं तो आप फिर से देखना शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी काम को कंटिन्यू करते रहें जो आपका फेवरेट काम है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।